खुद उनका बहुत बड़ा एक तरह से कह सकता है फैन हूँ, क्योंकि हिंदी के क्षेत्र में सर ने बहुत लगभग बहुत काम किया है। और अभी हाल फिलहाल में ही 2018 19 सितंबर में सर को 2018 का लम्हे पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए भी मैं प्रोफेसर होता सर को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और सर के बारे में परिचय में यही कहूंगा कि आप सर ओडिशा के सोनपुर जिले में सर का जन्म हुआ, उसके बाद बीए की पढ़ाई संबलपुर विश्वविद्यालय से समाप्त करने के बाद एमए और पीएचडी की उन्होंने डिग्री हासिल की शांति निकेतन विश्वविद्यालय से। यही नहीं, ओडीएल सिस्टम में भी, जैसा हम लोग उत्तरा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो ओडीएल सिस्टम में भी सर का बहुत लंबा अनुभव रहा है। चाहे हम लोग कोटा वर्धमान मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें, चाहे इग्नू की बात करें, अभी कुछ वर्ष पहले सर ने हिंदी का ही दो यूनिट कहानी पे इग्नू के लिए लिखे थे, तो सर का बहुत लंबा अनुभव रहा है। साथ ही साथ सर एक भारत में कहें तो आलोचक के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, प्रोफेसर अच्छा, होता बंद सर। करो बंद करो बंद करो ये सब। मेन चीज है हमारा कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स के सामने होना चाहिए, जो पार्टिसिपेंट्स जो लर्नर्स हैं, लर्नर्स बेनिफिटेड हों। जी 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 सर, तो तो बस इसी बातों को सर सार के रूप में प्रस्तुत करते हुए माननीय कुलपति जी से अनुमति के साथ आज की कक्षा शुरू करने की अनुमति चाहूंगा सर। ओके सर, विथ योर काइंड सर अप्रूवल। मैं एक हाँ मिनट होता सर, तो मैं आज आज के कार्यक्रम के मैं प्रोफेसर अरुण होता जी को और सभी विद्यार्थियों को स्वागत करता हूँ मेरे तरफ से और यूनिवर्सिटी के तरफ से। ये कार्यक्रम लगभग होता जी के बारे में तो बता दिया मैंने, होता जी को अभी बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। 1 महीना से ये ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला लगभग हमने शुरू किया बहुत है। बहुत बड़ा काम, हर बहुत बड़ा हर काम। दिन हर दिन सुबह 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा इसका ऑनलाइन में हम बच्चों को बुलाते हैं, विद्यार्थियों को, बहुत और बड़ी बात। एक जो हमारे रिसोर्स पर्सन है पूरे देश भर में हम लोगों को बुलाते हैं, जो कि रिसोर्स पर्सन के तौर पर हमारे विद्यार्थियों के साथ सीधे जुड़ते हैं और उनका पहले तो वो अपना वक्तव्य रखते हैं, फिर उसके बाद बच्चों का जो भी प्रश्न है उसका वो रिप्लाई देते हैं। तो मैं अपने तरफ से फिर से प्रोफेसर अरुण होता जी को यूनिवर्सिटी के तरफ से भी स्वागत करता हूँ। वो डीन लिंग्विस्टिक्स हैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी में, और आज के जो विषय वस्तु है वो उपन्यास है, और जो MSD 13 के कार्यक्रम है उसका पढ़ाई होगा। लेकिन मुझे जान के ये बहुत खुशी हुआ कि आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के साथ जुड़े हुए हैं, खास करके इग्नू के साथ और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में जो है राजस्थान में उसके साथ। आपको ये जानकारी मैं दे दूं कि बेसिकली मैं इग्नू से ही हूं और इग्नू में हिंदी में जितने भी उनके प्रोफेसर हैं, सत्यकाम जी से लेके बाकी जो जूनियर जी। स्टाफ हैं, ये सब मेरे खास दोस्त हैं। इससे पहले भी जितने भी प्रोफेसर रिटायर्ड कर चुके हैं वो भी सब, जबरीमल जबरीमल पारख हूँ या फिर पारक साहब वगैरह, ये सब काफी हमारे मित्र हैं और उनके साथ काम करने का मौका मिला है। तो आपके बारे में सुन के बहुत खुशी हुआ, और आप सोनपुर से हैं और संबलपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई आपका हुआ है ये भी सुन जी के हम अच्छा लगा। आप ही के विश्वविद्यालय, आपका विश्वविद्यालय जहाँ स्थित है वही जीएम कॉलेज से ही पढ़ा हूँ सर। जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपको स्वागत करता हूँ, और जितने हमारे विद्यार्थी हैं उनको मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है ये हमारे फेसबुक में भी लाइव जा रहा है और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, वेबसाइट में बाद में अपलोड होगा। इसीलिए विद्यार्थियों जब प्रोफेसर होता आपको पढ़ा रहे हैं या बाद में जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, मेरा आपको विनम्र ये निवेदन है कि आप लोग अपने माइक को अनम्यूट मत कीजिए, ना तो आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए ताकि दूसरों को देखने में सुनने में बाधा पहुंचेगा और आपको भी सुनने में बाधा पहुंचेगा। सो इसी के साथ प्रोफेसर होता को मैं स्वागत करता हूं और निमंत्रण करता हूं कि अपने जो विषय है उसका शुरुआत करें, और फिर अभिषेक जी को भी हमारे तरफ से ये है निर्देश कि वो इसको परिचालन करें और फिर बाद में बच्चों का जो भी क्वेश्चंस है उसको
उनके पास आगे पहुंचाए, प्रोफेसर होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कुलपति महोदय को दो कारणों से हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि पहली बात तो ये है कि इतनी अच्छी हिंदी बोल रही हैं, और दूसरी बात यह है कि सर के बारे में मुझे सत्यकाम जी ने, जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी ने सब ने बताया जी, था जी। पहली मर्तबा आप आज मुलाकात हुई जी, बहरहाल आपकी अनुमति लेकर मैं आज का विषय शुरू कर रहा हूँ। प्यारे छात्रों, आज का विषय है उपन्यास के सिद्धांत और स्वरूप। इसके अंतर्गत चार इकाइयां हैं और चारों इकाइयों के बारे में एक सामान्य जो अवधारणा होती है या उस विषय पर जो बातें करनी चाहिए, जिन बातों पर की हमारी चर्चा होनी चाहिए, वो विषय कुछ इस प्रकार से हैं कि आख्यान के विभिन्न रूप और उपन्यास, ये पहली इकाई के अंतर्गत है। उपन्यास का अर्थ और स्वरूप, ये दूसरी इकाई है। उपन्यास का उदय तथा उसके कारण, उपन्यास और अन्य विधाएं, ये अंतिम इकाई है। दरअसल इसके पहले यानी MHD 13 के पहले, आप लोगों ने MHD 3 में या MHD 4 में, MHD 3 में खासतौर पर, या अन्य किसी पेपर में आपने बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं। यह जो पत्र है, आज का जो विषय है, ये उपन्यास के सिद्धांत पर आधारित है, यानी जिसे आप थियोरी कहते हैं, और वो कौन सी थियोरी यानी कौन से सिद्धांत उपन्यास पर लागू होते हैं, या किन, जैसे कि ये बात ये बता दें हम कि जाहिर सी बात है कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, पहले उपन्यास लिखे गए, और जैसे कि पहले कविता लिखी जाती है उसके बाद काव्यशास्त्र लिखा जाता है, ठीक उसी तरह उपन्यास के जो सिद्धांत हैं ये पहले नहीं बनते, पहले उपन्यास लिखे जाते हैं, और उपन्यास जो लिखे गए उसके बाद फिर उसकी सैद्धांतिकी निर्मित हुई। आप जानते हैं प्यारे छात्रों की जो काव्य है, यह इसे आप दो भागों में बांटते हैं, बेसिकली एक तो दृश्य काव्य है और एक श्रव्य काव्य है। लेकिन जब हम उपन्यास की बात करते हैं, उपन्यास गद्य की एक अति महत्वपूर्ण विधा है, और उपन्यास कभी भी श्रव्य काव्य नहीं रहा। उपन्यास जो है हमेशा पाठ्य रहा है, इसका पठन हुआ है, इसका पाठन हुआ है, और आज भी हम कुछ पाते हैं, अंग्रेजी के चार्ल्स डिकेंस का अगर नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने की अ टेल ऑफ टू सिटीज, या फिर ओलिवर ट्विस्ट, द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जैसी रचनाएं लिखी थी, उन्होंने एक प्रयोग किया था शुरुआती दिनों में, अपने उपन्यास ले जाकर वो अमेरिका के जगह जगहों पर उसका पाठ किया था, यानी लोगों को सुनाया था, तो सफल हुए थे। आज भी हम देखते हैं कि कुछ रचनाकार जो हैं अपनी अपने उपन्यास का अंश किसी जगहों पर जाकर सुनाते हैं। बावजूद इसके मैं कहना ये चाहूंगा कि उपन्यास कभी श्रव्य के अंतर्गत नहीं आता है, उपन्यास जो है पाठ्य है, पढ़ा जाता है, यद्यपि यह अपवाद के तौर पर हम कुछ पा जाते हैं। ऐसा है कि आपको जानना यह भी जरूरी है कि हमारे यहाँ उपन्यास 19वीं सदी में आता है, जिसे हम उपन्यास कहते हैं, और उपन्यास की जो बेसिक चीज होती है, जो मूल अवधारणा होती है, वह है उसकी कथा। हमारे यहाँ हमेशा कथा सुनाई गई है, विभिन्न रूपों में सुनाई गई है कथा, जैसे कि आपने नाम सुना होगा बैताल पंचविंशति का, या फिर पंचतंत्र की कथा, या फिर कथा सरित सागर, यहाँ तक कि उड़ीसा के गांव-गांव में आपने सुना होगा शनि मेला की कथा, त्रिनाथ मेला की कथा, सत्यनारायण की कथा। तो
ये जो है कथा से उपन्यास का एक अभिन्न संबंध रहा है, अटूट रिश्ता रहा है। ध्यान दीजिए कि यहीं से बना है कथा साहित्य, यानी जब हम कथा साहित्य कहते हैं, आपने आपको ध्यान देना होगा कि कथा साहित्य में कहानी भी होती है और उपन्यास भी होते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम फिक्शन कहते हैं, FICTION, फिक्शन। यानी ये जो फिक्शन है इसमें कहानी और उपन्यास दोनों समाहित है, और इसकी मूल और अपरिहार्य जो विशेषता होती है वो उसकी कथा। कहने का मतलब यह है कि कथा कहने की परंपरा हमारे भारत में भी थी, लेकिन जिसे हम आज की तारीख में उपन्यास कहते हैं, जिसे हम आज की तारीख में कहानी कहते हैं, जिसे हम आज की तारीख में निबंध कहते हैं, जिसे हम आज की तारीख में रिपोर्टाज कहते हैं या फिर डायरी कहते हैं, पत्र लेखन कहते हैं, ये जो तमाम गद्य की विधाएं हैं, इन तमाम गद्य विधाओं का विकास, उद्भव ही कहिए, उद्भव जो है 19वीं शताब्दी में हिंदी में होता है। तो सवाल ये होता है कि इसका एक बहुत बड़ा संबंध, कथा का बहुत बड़ा एक संबंध उपन्यास से है, कहानी से है। लेकिन ऐसा मत समझिए कि आज की तारीख में भी कथा अनिवार्य नहीं रह गई है उपन्यास में। बिना कथा का भी उपन्यास लिखा है और शुरुआती दौर में ही किया गया था। कथा महत्वपूर्ण है, मैंने माना, लेकिन क्योंकि उपन्यास एक लचीला है, उपन्यास एक लचीला रूप है, नित नए प्रयोग उपन्यास में होते आ रहे हैं, इसलिए कथानक जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे लिखा है और शुरुआती दिनों में ही लिखा था, तो उसमें कोई कथा नहीं है, टुकड़े टुकड़े में चीजें हैं और वो अन्य फॉर्मेट में है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कथा महत्वपूर्ण अंग है कथा साहित्य का, उपन्यास का, लेकिन आज की तारीख में यह अत्यंत आवश्यक है ऐसी भी बात नहीं है। हमारे यहाँ एक आख्यान की परंपरा रही है, आख्यान, और आप लोगों ने देखा होगा कि आख्यान का सामान्य अर्थ क्या होता है। आख्यान का मतलब होता है कथन, आख्यान कहते हैं कथा को, आख्यान कहते हैं कहानी को, आख्यान कहते हैं ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को। यानी यह जो महाभारत है, रामायण है, ये सब भी, या अन्य कोई पुराण है, यह इसमें एक यह एक आख्यान है, और ये आख्यान इसके पर्याय है, इसके आख्यान के पर्याय के तौर पर आप ले सकते हैं कथा को, आख्यान के पर्याय के रूप में आप कथानक को ले सकते हैं, और छोटी कथा के लिए आप आख्यायिका, आख्यायिका शब्द को ले सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि युगों से हमारे यहाँ ये एक आख्यान की परंपरा रही, और मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि उपन्यास का संदर्भ 19वीं शताब्दी से है, लेकिन कथा की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से है। लेकिन और जो प्रारंभिक दिनों में जो भी उपन्यास लिखे गए, आप लोग उड़ीसा से हैं तो जाहिर सी बात है कि जो 1897 में छ मानो आठ गुंठ लिखा फकीर मोहन सेनापति ने, या 1858 में आलालेर घोरे दुलाल नाम का जो उपन्यास लिखा बांग्ला में, या फिर लाला श्रीनिवास दास के पहले जितने भी उपन्यास आए, है ना, हिंदी में, हिंदी में नहीं,
मराठी में नहीं, गुजराती में, यानी उपन्यास के एक तो दूसरा फॉर्मेट, एक देसी फॉर्मेट हमारे पास मौजूद था। उपन्यास लिखने का एक रूप हमारे पास मौजूद था, और वह रूप जो है वह हमारा देसी, वह हमारे भारतीय परंपरा का उपन्यास था। इसलिए आप लोग देखिएगा, हिंदी का पहला नॉवेल जिसे लाला श्रीनिवास दास कहते हैं, 1882 में जो प्रकाशित होता है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला नॉवेल कह रहे हैं। किस कैसा नॉवेल? अंग्रेजी ढंग का, हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास। यानी इसका मतलब हुआ कि जो श्यामा स्वप्न लिखा गया, निस्सहाय हिंदू लिखा गया, या फिर भाग्यवती लिखा गया, देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास लिखा गया, या फिर वामा शिक्षक लिखा गया, मैं हिंदी की ही बात अगर करूं, तो ये सभी उपन्यास अंग्रेजी ढंग के नहीं हुए। तो मित्रों, क्या समझ में आ रहा है? अंग्रेजी ढंग के उपन्यास नहीं हुए, लेकिन उपन्यास लिखे गए थे। इसका प्रमाण यह है, यह इस बात का सबूत है कि हमारे यहां अपनी एक शैली हमने विकसित कर ली थी। मैं गुजराती से भी उदाहरण दे सकता हूँ, मराठी से भी दे सकता हूँ। मराठी में जिसे उपन्यास के लिए कादंबरी कहा जाता है, गुजराती में जिसे उपन्यास के लिए नवल कथा कहा जाता है, या पंजाबी में जिसे आप कहते हैं क्या, पंजाबी में जिसे आप पंजाबी में क्या था वह क्या काव्य है, किस्सा काव्य कहते हैं। तो तमाम भारतीय भाषाओं में, उतना अगर आप ध्यान भी नहीं रखते हैं तो केवल 6 बीघा जमीन यानी 6 माण 8 गुंटे ही देख लीजिए, जिस ढंग से लिखा गया है ना, तो इसे आप गप शैली या आख्यान शैली, यानी हमारी यहाँ एक बड़ी परंपरा रही है अपने ढंग से उपन्यास लिखने की। लेकिन यही तो दुख की बात है, 1934 में जब प्रेमचंद जी से यह पूछा गया कि क्या आप हिंदी के कथा साहित्य के विकास से संतुष्ट हैं, तब प्रेमचंद जी ने कहा कि अच्छा होता कि भारतीय ढंग का कथा साहित्य हमने विकसित किया होता। इसी बात को नामवर सिंह अपने एक लेख में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि जो हमारी अस्मिता, हमारी पहचान, ये पहचान जो बनी थी, उस पहचान को लेकर अगर कथा साहित्य का सृजन हुआ होता तो हमारी पहचान कुछ और बनी होती कथा साहित्य के संदर्भ में। बहरहाल, इसमें कोई दुराय नहीं है कि उपन्यास के नाम पर हम जो कुछ आज पढ़ रहे हैं वह पश्चिमी नोवेल, NOVEL, नोवेल, नोवेल का पर्याय बना हुआ है। और जो भी चीजें हम पाते हैं, जो भी उपन्यास में हम देखते हैं, जाहिर सी बात है कि वह अंग्रेजी ढंग के उपन्यासों से प्रभावित है, चाहे वह प्रेमचंद के उपन्यास हो या फिर बात के कमलेश्वर के उपन्यास हो, अलका सरावगी के उपन्यास हो, अथवा आज की तारीख में लिखने वाले नए रचनाकारों की बात हो। तो ये सभी आज हिंदी में उपन्यास के नाम पर जो कुछ भी प्रतिष्ठित है वह अंग्रेजी ढंग के उपन्यासों के लिए प्रयुक्त है, न कि जो हमने अपनी एक शैली विकसित की थी भारतीय शैली, उस शैली के उपन्यास की बात हम करते हैं।
उपन्यास चाहे कभी भी लिखा गया हो, किसी भी कालखंड में लिखा गया हो, आप बीती जग बीती से शुरू करते हुए आप परीक्षा गुरु तक आइए, या फिर बात के भी उपन्यासों में आइए, तो उपन्यास को बनाने में तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कोई रचनाकार अपने देश काल को छोड़कर, अपने समय को छोड़कर, अपने समाज को छोड़कर कोई दूसरी बातें कर रहा हो। अब आप देखिए, जैसे कि दो उदाहरण है, एक तो है देवरानी जिठानी की कहानी, या फिर वामा शिक्षक। ये दोनों दोनों उपन्यास बने कैसे थे? बने इसलिए थे क्योंकि आप सभी को पता है कि 19वीं शताब्दी तक भारत में स्त्रियों को, महिलाओं को पढ़ने का उस रूप में अधिकार नहीं था। तो देवरानी जिठानी की कहानी या वामा शिक्षक आदि के माध्यम से जो वुमेन एडुकेशन है, मतलब स्त्री शिक्षा है, स्त्री शिक्षा देने के लिए ये किताबें लिखी गई थी। और भारतेंदु जी के समय में भी आपने देखा होगा कि भारतेंदु मंडल के जो रचनाकार थे, उन रचनाकारों ने भी दो तरह की शिक्षा पद्धति का उन्होंने वकालत की थी। वह उस युग की सीमा थी, मतलब पुरुषों के लिए अलग शिक्षा और स्त्रियों के लिए अलग शिक्षा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं था कि वो स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, विरोधी नहीं थे, लेकिन ये उन लोगों की सोच थी, उन लोगों के समय की, उन लोगों की जो सीमा कह सकते हैं या अंतर्द्वंद कह सकते हैं। तो परिस्थितियों की एक बड़ी भूमिका रहती है किसमें? उपन्यास के निर्माण में। और प्रारंभिक दिनों में प्रेमचंद के आने के पहले तक के अगर हम उपन्यासों को देखें बेसिकली, तो मूलतया वहां हम जो पाते हैं कि एक सुधारवादी और उपदेशवादी, उपदेश परख कहिए ज्यादा अच्छा होगा, सुधारवादी और उपदेश परख ही उपन्यास हमारे सामने आते हैं, क्योंकि उस समय वैसी मांग थी। लेकिन उपन्यास ने अपने आप को कभी भी किसी भी क्षेत्र में सीमित करके नहीं रखा। मतलब आप देखिए कि एक उपन्यास अगर आप सेवा सदन रखते हैं और 2004 के आसपास 2014 के आसपास प्रकाशित काशीनाथ सिंह का वह उपन्यास उपसंहार देखते हैं, तो दोनों के फॉर्म में, दोनों की कंटेंट में, कंटेंट मतलब अंतर्वस्तु, दोनों की अंतर्वस्तु में, दोनों की अभिव्यक्ति में, दोनों के शब्द चयन में, दोनों की शैलियों में बहुत बड़ा डिफरेंस आप पाएंगे। क्यों? क्योंकि उपन्यास ने निरंतर अपनी ऊर्ध्वमुखी यात्रा की है। यानी पीछे की तरफ उपन्यास ने या कहानी ने देखना स्वीकार नहीं किया है। मैं मतलब उपसंहार बमुश्किल 110 120 पेज की यह है। तो जाहिर सी बात है कि जो मैं कहना चाह रहा था कि उपन्यास को निर्मित करने में परिस्थितियों की, समाज की, समय की बड़ी भूमिका होती है। क्या वजह है कि प्रेमचंद के उपन्यासों में हम राष्ट्रवाद के तत्व पाते हैं? मतलब राष्ट्रवाद मतलब उस जमाने का राष्ट्रवाद, आज का राष्ट्रवाद नहीं है, है ना? आज के राष्ट्रवाद और प्रेमचंद के समय के राष्ट्रवाद में अंतर है, ये आज वाला बड़ा सीमित है, उसमें नहीं जा रहा हूं। क्या वजह है कि उसमें किसान की बात आती है? क्या वजह है कि उसमें मध्यवर्ग की बात आती है? क्या वजह है कि उसमें स्त्रियों की बात आती है? और
एक जब हम इधर की रचनाओं में देखते हैं तो आज का समय आता है, खास तौर पर 1990 के बाद जो ग्लोबलाइजेशन आया, जो भूमंडलीकरण आया, और उस भूमंडलीकरण के चलते उपभोक्तावादी संस्कृति यानी कंज्यूमरिस्टिक अप्रोच और बाजार, सत्ता, राजनीति, विज्ञापन, दलाली, ये सारी चीजें आज के उपन्यासों में क्यों है? क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण रचनाकार होता है वह रचनाकार अपने समय में जीता है, अपने समय को भोगा हुआ होता है, और उस समय की विडंबनाओं को, प्रेमचंद अपने समय की विडंबनाओं को भोग रहे थे, और प्रेमचंद के लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि जो काम राजनीति में महात्मा गांधी कर रहे थे, सबसे बड़ी बात जो काम राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी कर रहे थे, प्रेमचंद वही काम साहित्य में कर रहे थे। चाहे वो आदर्श की स्थापना हो, चाहे वो आश्रम की बात हो, चाहे वो सेवा की बात हो, चाहे वो प्रगति की बात हो, चाहे वो यथार्थ की बात हो, तो ये धीरे धीरे उपन्यासों में हम पाते क्या हैं कि ये सारी चीजें बढ़ती जाती है। देखिए, उपन्यास के संदर्भ में एक बात और जरूरी है, वह है उपन्यास में यथार्थ का समावेश। जब तक उपन्यास में यथार्थ का समावेश नहीं होगा, यथार्थ क्या है जानते हैं? यथार्थ मतलब जो सामान्य जीवन में जो यथार्थ है और साहित्य में जो यथार्थ है, इन दोनों में अंतर होता है। जैसे अभी आप सुन रहे हैं मुझे, और जो अच्छा लग रहा है आप उसे लिख रहे हैं, यानी आपकी टेबल पर आपकी कॉपी है, ये सामान्य जीवन का यथार्थ है। लेकिन साहित्य का यथार्थ इतना नीरस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस यथार्थ में, जिसे आप कहते हैं कल्पना, जिसे आप कहते हैं घटित हो सकता है, यानी यथार्थ में आदर्श, यथार्थ में कल्पना और यथार्थ में घटित होने की संभावना का भी सम्मिश्रण रहता है। जो घट चुका है, यानी नाली में गंदा पानी बह रहा है, वो यथार्थ है, लेकिन वो साहित्य का यथार्थ नहीं हो सकता। उस गंदे पानी में ऐसी भी कोई चीज है जिसे कि रचनाकार अपनी दृष्टि से उसे संवारता है, उसे सजाता है और प्रस्तुत करता है। जैसे मैं एक आप लोगों ने जो कहानी पढ़ी है उसके मार्फत से उदाहरण दे रहा हूं यथार्थ का। जैसे आपने कहानी पढ़ी होगी, जरूर पढ़ी होगी, वो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी थी, कफन। कफन में घिसु और माधव पैसे लेकर जब बाजार में जाते हैं और बुधिया जो प्रसव पीड़ा से गुजर जाती है उसके लिए कफन खरीदना था, और वो एक कफन खरीदते नहीं है, और करते क्या है कि भुनी हुई चीज और शराब पी लेते हैं। सामान्य जीवन में क्या होता है? सामान्य जीवन में यही हो सकता था कि ये बाजार में जाते, जो पैसे मिले थे उससे कुछ बचा लेते, कुछ हल्के रंग, कुछ हल्के पैसे से, मतलब कुछ हल्के टाइप के कफन खरीद लिए होते और बाकी पैसा बचा लिए होते। सामान्य जीवन का यथार्थ यही होता। लेकिन साहित्य का यथार्थ क्या हुआ? ये गए, वहां पीते हैं और भिखारी को कुछ खाने के लिए भी दे देते हैं,
और संभाषण करते हैं कि वह वैकुंठ में नहीं जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे वगैरह वगैरह ये सारी चीजें, वो साहित्य का यथार्थ है। तो सामान्य जीवन के यथार्थ से साहित्य का जो यथार्थ होता है, सामान्य जीवन की तुलना में साहित्य की जो चर्चा होती है वह कुछ अधिक सुंदर, अधिक रोचक और अधिक आकर्षक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें कल्पना मिली हुई होती है, और कल्पना मिली हुई होती है का मतलब क्या पता है? उसमें रचनाकार की दृष्टि मिली हुई होती है, उसका विजन जुड़ा हुआ होता है। ये तो आप जानते हैं कि रचनाकार बड़ा वही होता है जिसका विजन बड़ा होता है। तो ये उपन्यास में यथार्थ या यथार्थवाद का समावेश बहुत जरूरी है, और उपन्यास में यथार्थवाद और आदर्शवाद को लेकर खुद प्रेमचंद जी ने कहा था कि यथार्थवाद यदि हमारी आंखें खोल देता है तो आदर्शवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में ले जाता है, लेकिन जहां आदर्शवाद में यह गुण है वहां इस बात की भी शंका है कि हम ऐसे चरित्रों को न चिन्हित कर दें जो सिद्धांतों की पूर्ति मात्र हो जिसमें जीवन न हो। यानी प्रेमचंद कोरा आदर्शवाद और कोरा यथार्थवाद इन दोनों के विरोधी हैं। यथार्थ हमारी आंखें खोल देता है, जबकि आदर्शवाद हमें किसी एक मनोरम स्थल पर पहुंचाने की शक्ति रखता है। बहुत अच्छा, लेकिन उस आदर्श का हम क्या करेंगे जिस आदर्श में कि ऐसे पात्र आ जाएं, ऐसा ऐसी घटना आ जाए या ऐसी सिद्धांतों की पूर्ति करने के लिए सामने आ जाए जिसमें कोई जीवन ना हो। तभी तो प्रेमचंद ने भी कहा था, प्रेमचंद ने यह भी कहा था कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूं, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूं। अर्थात मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके अंदर को उद्घाटित करना, अंतर को उद्घाटित करना उपन्यास का मूल उद्देश्य वो मानते हैं। तो यथार्थ का होना बहुत जरूरी है उपन्यास में, और खुद अच्छी रचना प्रेमचंद उसे मानते हैं, महत्वपूर्ण उपन्यास उसे मानते हैं जिसमें यथार्थ और आदर्श का समावेश हो। इसीलिए आप देखेंगे प्रेमचंद के उपन्यासों को, उनकी दृष्टि को, उनकी रचनाशीलता को हम क्या कहते हैं? आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। यानी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद जो यथार्थ तो है लेकिन उस यथार्थ का मूल उद्देश्य एनार्किस्ट बन जाना नहीं है और अराजकतावाद फैलाना नहीं है, बल्कि एक आदर्श की संकल्पना वहां भी प्रस्तुत करना है। यथार्थ की कई परतें हैं, उपन्यासकार क्या करता है खंड खंड में भी यथार्थ को रख सकता है, हैं? किसी भी उपन्यास में वह खंड, मतलब जरूरी नहीं है कि वह संश्लिष्ट रूप में रखे, खंड खंड में भी रख सकता है, या यथार्थ के जो कई भेद हैं, यथार्थवाद के जो कई रूप हैं, जैसे कि एक उपन्यास आपने जरूर पढ़ा होगा सुनीता,
सुनीता ज्योति या फिर त्याग पत्र, आपने त्याग पत्र उपन्यास पढ़ा होगा, छोटा सा है, संक्षिप्त आकार का है, जैनेन्द्र कुमार का। तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कह सकते हैं कि वह तो मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद का उपन्यास है। मृणाल बुआ का जो चरित्र आता है उसमें, त्याग पत्र में, हैं, कोयले वाले के साथ रहना या भाग जाना, ये जो क्यों ऐसा होता है, और उसके मनोवैज्ञानिक सूझबूझ को, मृणाल बुआ की मनोवैज्ञानिक सूझबूझ को रचनाकार ने प्रस्तुत किया है। तो सामाजिक यथार्थवाद होता है ना, आलोचनात्मक यथार्थवाद होता है, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद होता है, यथार्थवाद के भी कई रूप हैं। और मेरे कहने का मतलब यह है कि जब उपन्यास में यथार्थ का समावेश होता है, यथार्थ का समावेश होता है, तब वह रचना एक दूसरा डायमेंशन पाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा तमस, तमस में क्या पाते हैं, जिस रूप में सत्ता और सांप्रदायिकता के तालमेल को, गठबंधन को हम पाते हैं, यानी वैमनस्य फैलाने की जो, फैलाने का जो षड्यंत्र किया जाता है, यही बहुत महत्वपूर्ण होता है उपन्यास में यथार्थ का समावेश होना। आप कोई भी उपन्यास ले लीजिए, चाहे उड़िया का ले, असमिया का ले, मराठी का ले, बहुत जरूरी है कि उसमें यथार्थ हो। क्योंकि अब आप देखिए, आप कहेंगे कि सर ऐसा भी हुआ है कि हमने तो पुराणों को भी लेकर उपन्यास लिखा है, जैसे महान उपन्यासकार जो है प्रतिभा राय, और पूरे भारत क्या विश्व भर में वो स्थापित हो गई, जाज्ञसेनी उपन्यास जो उड़िया में उन्होंने लिखा, हिंदी में उसका रूपांतरण हुआ द्रौपदी। लेकिन ध्यान दीजिए, प्रतिभा राय जब जाज्ञसेनी यानी द्रौपदी याज्ञसेनी लिख रही हैं, उसकी जो अंतर्वस्तु है और उस लेखन में उनका जो विजन है, उनकी जो रचनाशीलता है, वह रचनाशीलता व्यासदेव द्वारा रचित, महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत की, द्रौपदी की नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि जो मैंने शुरू में कहा था, रचनाकार पर अपने समय, अपनी परिस्थितियां, अपने समाज, अपनी सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव होना अत्यंत जरूरी हो जाता है। और जो इनमें जितना धंसता है, इन परिस्थितियों में जितना जीता है, उसका अंग बनकर रहता है, वह उसी के अनुरूप फिर घटता है। नरेंद्र कोहली ने तो तमाम उपन्यास लिखे हैं रामायण और महाभारत के तमाम पात्रों को लेकर, लेकिन वह अपने समय के हिसाब से लिखते हैं, उसमें यथार्थ का समावेश भी उसी रूप में हुआ करता है। इस खंड में आप देखेंगे कि उपन्यास की लोकप्रियता, ये लोकप्रियता शब्द को लेकर थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो। लोकप्रियता और श्रेष्ठता, इसमें थोड़ा अंतर होता है। लोकप्रियता और श्रेष्ठता, जब हम लोकप्रियता कहते हैं, गेटी टकीज तो अभी और कहां, लक्ष्मी टकीज या अशोका टकीज के रास्ते पर आपने देखा होगा कुछ नोबेल मिलते हैं, मिलते थे पहले जब हम लोग छात्र थे, आजकल कहां मिलते हैं पता नहीं। रानू सानू गुलशन नंदा आदि के उपन्यास, मतलब जो पॉपुलर नोवेल हैं, लोकप्रिय नोवेल हैं, और एक रानू है, दूसरा सानू है, और तीसरा गुलशन नंदा है, उनके उपन्यास क्या हैं? उनके उपन्यास लोकप्रिय हो सकते हैं,
वो उपन्यास जो है वो बाजार के लिए लिखे गए होते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं कह सकता हूं कि बाजारू उपन्यास है, लोगों की डिमांड को सप्लाई करने वाले उपन्यास हैं। तो उपन्यास की लोकप्रियता और उपन्यास की श्रेष्ठता, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे उपन्यास को लोकप्रिय होने में कई फैक्टर्स काम कर सकते हैं। जो उपन्यास लोकप्रिय है वह श्रेष्ठ भी होगा, ये अवधारणा मन से निकाल लीजिए। लोकप्रिय हो सकता है लेकिन प्रसिद्धि होने के लिए कुछ और चीजें चाहिए लोकप्रियता और प्रसिद्धि में। आप ये बताइए तो कि धर्मवीर भारती ने दो उपन्यास लिखे, मतलब दो उपन्यासों का जिक्र कर रहा हूं, एक है गुनाहों का देवता और दूसरा है आप दे सकते हैं उनका क्या, सूरज का सातवां घोड़ा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का जो उपन्यास है बहुत पढ़ा गया, लोकप्रिय हुआ, कई संस्करण निकले, लेकिन वह उपन्यास श्रेष्ठ नहीं कहलाया। श्रेष्ठता के मानदंड पर सूरज का सातवां घोड़ा ही आता है, जो आपने कभी पढ़ा भी होगा, सूरज का सातवां घोड़ा। तो उपन्यास देखिए कोई पढ़ता है मनोरंजन के लिए, कोई पढ़ता है उपन्यास को टाइम पास करने के लिए। इसलिए टाइम पास करने के लिए जो पढ़ा जा रहा है, मनोरंजन के लिए जो पढ़ा जा रहा है, आपकी भावनाओं को उद्दीप्त करने के लिए कुछ अगर आप पढ़ रही हैं, आपकी चेतना को दूसरे ढंग से मोड़ने के लिए अगर पढ़ रही हैं, तो हो सकता है कि वह उपन्यास लोकप्रिय हो लेकिन वह उपन्यास श्रेष्ठ नहीं होगा। जब हम इन ऐसे उपन्यासों को, अब देखिए रानू सानू गुलशन नंदा के उपन्यास, फुटपाथ में मिलने वाले उपन्यास सस्ते भी होते हैं, उन उपन्यासों को जब हम प्रेमचंद के सेवा सदन से लेकर मंगलसूत्र अधूरा तक के किसी भी उपन्यास के बनिस्बत खड़ा करते हैं, सामने रखते हैं, तो अंतर सामने आता है। क्यों? क्योंकि उपन्यास को पाठक चाहिए और पाठक दो तरह के होते हैं। दो तरह के पाठक होते हैं, पाठकों के दो वर्ग हैं। एक तो सामान्य पाठक है, जनरल रीडर, जो संबलपुर स्टेशन से राउरकेला आ रहा है और पढ़ता जा रहा है एक उपन्यास, तो जाहिर सी बात है कि वो टाइम पास करने के लिए पढ़ रहा है, वो सामान्य पाठक है। और आप जब पढ़ते हैं कलिकथा वाया बाईपास अलका सरावगी का, या आप जब पढ़ते हैं कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का, और उस पर जब आप विश्लेषण करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, विवेचन करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, तो आप जनरल रीडर नहीं रह गए, आप क्रिटिकल रीडर बन गए, आप गंभीर पाठक हो गए। तो उपन्यास और पाठकों का संबंध बहुत आवश्यक है, यानी उपन्यास चाहिए, उपन्यास पाठकों के लिए है। और ध्यान दीजिए, जो बाजारू उपन्यास हैं, बाजारू जब उपन्यास पढ़ते हैं
तो हमारी भावनाएं, हमारी चिंता, हमारी चेतना या हमारे मन की जो उद्दीप्त वासना, हमारे मन की जो दबी हुई इच्छाएं, वो भड़क उठ सकती हैं। लेकिन सीरियस नोवेल, जो सीरियस नोवेल होता है, जो गंभीर उपन्यास होता है, वह मनुष्य की चित्त वृत्ति का संस्कार करता है। यानी मनुष्य को थोड़ा बेहतर मनुष्य बनाने में, इंसान को थोड़ा और बेहतर इंसान बनाने में, उसकी अभिरुचियों को, उसकी पसंद नापसंद को, अभिरुचियों को, उसकी विशिष्ट इच्छाओं को और अधिक सुसंस्कृत करने में, संस्कारशील बनाने में उपन्यास बड़ी भूमिका निभाते हैं। जो उपन्यास जो कि पॉपुलर नोवेल यानी जो फुटपाथी नोवेल होते हैं, ये काम करने में, हमारे चित्त का संस्कार करने में असंभव, मतलब संभव उनके लिए नहीं है। अब आप देखिए, जैसे चंद्रकांता, चंद्रकांता के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आपने खुद भी पढ़ा होगा। तो एक तरफ चंद्रकांता हो और दूसरी तरफ शेखर एक जीवनी हो, तो चंद्रकांता का जो पाठक होता है वह मनोरंजन के लिए पढ़ रहा होता है। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में स्वयं स्वीकार किया है, पर मैं बता दूं छात्रों के लिए, चाहे आप 1 जून खाना न खाएं, 2 जून खाना न खाएं, लेकिन मेरी दृष्टि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी में मास्टर्स कर रहे छात्रों के लिए गीता, बाइबिल, कुरान, जिंदावस्था सब कुछ है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है वो, और वो सबके पास होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा गहना है किसी भी एमए के विद्यार्थी के लिए। तो बहरहाल, उसमें खुद उन्होंने स्वीकार किया है कि चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति के माध्यम से पहली मर्तबा हिंदी के पाठकों की संख्या बढ़ाने में तमाम उर्दू भाषियों को, तमाम दूसरे भाषावाद, कई लाख लोगों ने उस जमाने में हिंदी और नागरी लिपि इसीलिए सीखी ताकि वो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति पढ़ सके। तो भूमिका तो है, बड़ी भूमिका, लेकिन उस उपन्यास का चूंकि वास्तविक जनजीवन के साथ कोई संबंध नहीं है, गहरा संबंध नहीं है। अभी आपका हीरो आपके साथ बैठा है, दो तीन सेकंड में वो दुबई पहुंच जाता है ना, तो वो हवा की प्रकाश की गति से भी और स्पीडली चला जाता है, ऐसे ऐसे हाथ हिला दिया और पहुंच गया। तो वास्तविक जनजीवन के साथ, वास्तविक जीवन के साथ क्योंकि उतना संबंध नहीं रह गया, इसलिए उसके पाठक दूसरे वर्ग के होंगे और शेखर एक जीवनी के पाठक दूसरे वर्ग के होंगे। तो हमने देखा, हम बात कर रहे हैं कि नोवेल्स फॉर द मार्केट यानी बाजार के लिए उपन्यास जब कभी भी होगा तो पाठक वहां केवल एक कंज्यूमर बनकर रह जाएगा, उससे अधिक नहीं, उपभोक्ता बनकर ही रहेगा। जब कभी भी कोई उपन्यास बाजार के लिए लिखा जाएगा तो पाठक वहां मात्र एक उपभोक्ता, और उपभोक्ता संस्कृति क्या है, उपभोक्ता संस्कृति है यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। उन उपन्यासों का भी वही हाल होता है जो बाजार के लिए लिखा जाता है।
लेकिन जो उपन्यास बाजार के लिए नहीं लिखा जाता, चाहे वो गोदान हो, गोरकी का उपन्यास माँ हो, या कोई भी बड़ा उपन्यास, तो जब हम उस उपन्यास की बात करते हैं तो वह मनुष्य की चित्तवृत्तियों को, मनुष्य की इच्छाओं को, अभिप्साओं को, उसकी उसकी अभिलाषाओं को और अधिक विकसित करने में सहायक होते हैं। यूं कह सकते हैं कि ये उपन्यास हमारा पुनः संस्कार करते हैं और हम ऐसे उपन्यासों की सैद्धांतिकी की बात कर रहे हैं। उपन्यास के विविध रूप हैं। ये जो विविध रूप हैं, मतलब कई रूप हैं उपन्यास के, उपन्यास को भी कई वर्गों में बांटा गया है, उसमें नहीं जा रहे हैं हम, उसके रूपों पर बात कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि उपन्यास शब्द जो है वह NOVL, नोबेल से बना है, नोवेला, NOVELLA, नोवेला। और एक इसका दूसरा रूप है, नोवेला का दूसरा रूप है, जिसे आप जानते हैं, नोवेलाइट या नोवेलिट, NOVLITTE, नोवेलिट। दो रूप हैं, मान के चलिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में तीन रूप बताया गया है, उपन्यास, उपन्यासिका और लघु उपन्यास। देखिए, उपन्यास जो है वह नोवेल है, मान लिया मैंने, क्यों है उस पर बाद में आ रहे हैं। लेकिन जब हम उपन्यासिका कहते हैं या जब हम उसे दूसरे रूप में लघु उपन्यास कहते हैं, तो ये विभाजन कुछ गड़बड़ सड़बड़ लगता है। यानी ध्यान दीजिए, हंस पत्रिका में उदय प्रकाश की लंबी कहानी पीली छतरी वाली लड़की छपी थी, पीली छतरी वाली लड़की, और वह जब पुस्तकाकार रूप प्रकाशित हुआ, उसमें क्या रूप मिला हमको, यानी जो नोवेलिट थी, यानी जो लंबी कहानी थी, मान लीजिए उस लंबी कहानी की जगह वह बन गई क्या, बन गई वह लंबी कहानी बन गई उपन्यास। एक दूसरा उदाहरण, यही लड़की उपन्यास उपन्यास के तौर पर आप लोग पढ़ते हैं, जबकि वर्तमान साहित्य का जो कहानी विशेषांक निकला था और जिसके संपादक थे कालिया जी, यानी रविंद्र कालिया, यही लड़की को उन्होंने किस रूप में लिया था, उन्होंने लंबी कहानी के तौर पर लिया था, बाद में वह उपन्यास के तौर पर आया। एक और उदाहरण देता हूं, अभी इसी साल ही गुजरे हैं, यानी कुछ महीने पहले ही गुजरे हैं, दुधनाथ सिंह ने नमो अंधकारम नाम की लंबी कहानी लिखी और वह लघु उपन्यास के तौर पर प्रकाशित हुआ। यूं क्यों? आप सबसे जो वरिष्ठ कथाकार हैं और पहल के संपादक ज्ञान जी, ज्ञान रंजन की लंबी कहानी बहिर्गमन बाद में उसे फिर लघु उपन्यास के तौर पर प्रकाशित हो रहा है। तो ये जो उपन्यास के रूप हैं, यानी किसे हम उपन्यास कहेंगे, किसे हम उपन्यासिका कहेंगे, किसे हम लघु उपन्यास कहेंगे और किसे हम लंबी कहानी कहेंगे, ये जो विभाजन रेखा है, ये बड़ा गड़बड़ सड़बड़ है।
लेकिन इतना हम जान लें कि उपन्यास में एक बड़ा कालखंड होता है, जीवन की संपूर्णता का चित्रण होता है। जबकि लंबी कहानी में वह अक्सर उसका अभाव होता है। और आज की तारीख में मैं बता दूं कि 25, 30, 35, 50 साल तक भी जो कहानीकार हैं, जो लिख रहे हैं, शायद ही ऐसे रचनाकार होंगे जिन्होंने लंबी कहानी ना लिखी होगी। लंबी कहानी लिखने का आजकल एक फैशन चल गया है, और हालांकि उसमें से बहुत सारी कहानियां, लंबी कहानियां भी हमारे सामने आती हैं। तो उपन्यास का जो परिप्रेक्ष्य होता है वह बृहदाकार होता है, केवल वो साइज में बड़ा होता है ऐसा नहीं कहिए आप, मतलब आकार में 300-400 पृष्ठों में होता है तो वह उपन्यास होगा, जरूरी नहीं है। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने काशीनाथ सिंह का उदाहरण दिया, और जिस जो कि 110 पेज का है, लेकिन मैं उपन्यास कहता हूं उसको। मैं क्यों, सभी कहेंगे उपन्यास, क्योंकि आकार की दृष्टि से हम नहीं मानते हैं कौन सा उपन्यास होगा और कौन सा लघु उपन्यास होगा, कौन सा नोवेल होगा, कौन सा नोवेल लिट होगा। तो बड़ा कालखंड होगा, बड़े कालखंड का चित्रण होगा, और दूसरी चीज यह है कि उसमें जीवन के विविध संदर्भ, तमाम परिप्रेक्ष्य भी हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। इसलिए उपन्यास का जो अन्य साहित्य के साथ, साहित्य की जो अन्य गद्य विधाएं हैं उसके साथ जो संबंध है उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। जैसे अभी हम लंबी कहानी की बात कर रहे थे, अरे लंबी कहानी क्या, ये तो सब कुछ किस रूप में आया आपको बता दूं, हिंदी में जो आया है ना सब कुछ, ये तो वाया मीडिया बांग्ला आया है, अनुवाद के माध्यम से आया है। अनुवाद के माध्यम से मतलब कि भारतेंदु जी जब आए उन्होंने देखा कि गद्य की, इसलिए तो गद्यकाल नाम रखा है आचार्य शुक्ल ने, गद्यकाल नाम क्यों रखा, क्योंकि भारतेंदु जी ने और भारतेंदु मंडल के अन्य रचनाकारों ने क्या किया कि जो मराठी में है, जो बांग्ला में है, उनका अनुवाद भी करवाया, खुद भी किया। और उस काल के रचनाकारों की एक बड़ी खूबी थी कि वो 7-8 भाषाएं तो यूं जानते थे, खुद भारतेंदु 10 भाषाएं जानते थे, केवल बोल लेना नहीं, लिखना पढ़ना सब कुछ। राहुल जी के बारे में तो आपने सुना होगा, राहुल सांकृतायन के बारे में। तो हुआ ये था कि बांग्ला के मार्फत से, बांग्ला में क्या कहते हैं, बांग्ला में छोटी कहानी बड़ी कहानी नहीं कहते हैं, बांग्ला में कहते हैं छोटो गल्पो, छोटो गल्पो। छोटो गल्पो शब्द उन लोगों ने कहां से लिया, उन लोगों ने लिया शॉर्ट स्टोरी से, SHORT शॉर्ट, STORY शॉर्ट स्टोरी है। और हमारे मतलब वह बांग्ला में, उड़िया में गल्पो गल्पो ही चला। तो ये जो गल्प है, क्षुद्र गल्पो यानी छोटी कहानी है, छोटी कहानी में बड़ी कहानी भी आ रही है, यानी कहानी और उपन्यास में एक अंतर होता है। इसे समझाने के लिए आपके सामने मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक तरफ गुलदस्ता है और दूसरी तरफ एक बगीचा है।
गुलदस्ता में आप क्या करते हैं कि भांति भांति के फूल, डिफरेंट टाइप्स के फूल लाकर आप गुलदस्ता सजाते हैं। और बगीचा में क्या होता है, तमाम फूल तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमुक तमुक फूल जो है एक एक है, उनकी भी क्यारियां लगी हुई है। अगर गेंदे का फूल है तो गेंदे की क्यारी लगी हुई है, गुलाब की क्यारी लगी हुई है। तो गुलदस्ता इक्वल्स टू आप मान लीजिए कि कहानी, और बगीचा इक्वल्स टू उपन्यास। कहानी और उपन्यास दोनों में जब हम सैद्धांतिकी की बात करते हैं, दोनों में जो अंतर रहता है कि कहानी के लिए हम कहते हैं कि एक ही सीटिंग में, एक ही बैठक में जिसे पढ़कर आप खत्म कर लेते हैं, और क्या होता है जिसमें जीवन के किसी एक कालखंड को, जीवन की किसी एक घटना को आप हाईलाइट करते हैं, किसमें, कहानी में। लेकिन उपन्यास में संपूर्ण जीवन, जैसे मैंने कहा था, पूरा का पूरा, या पूरा नहीं भी हुआ तो जीवन का अधिकांश भाग आप सामने रखते हैं। तो कहानी और उपन्यास में ये जो है अंतर होता है। कहानी और जीवनी, कहानी और आत्मकथा, इस तरह की भी, मतलब आप उपन्यास और जीवनी, उपन्यास और आत्मकथा, आपने देखिए उपन्यास एक पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है आपने, इसे तो आनाकानी नहीं कर सकते हैं। एक उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, और एक दूसरा उपन्यास पढ़ा है शेखर एक जीवनी। शीर्षक है जीवनी, शीर्षक है आत्मकथा, लेकिन उनकी, उन दोनों रचनाओं की विधा का नाम क्या है? विधा का नाम है उपन्यास। अर्थात नाम देखकर, जैसे कि क्या है, एक पत्नी के नोट्स है ना, तो नोट्स देखकर या किसी की डायरी देखकर हम यह न कह दें कि यह तो जीवनी विधा की है, यह तो अमुक विधा की है, तो फिर कैसे जानते हैं आप कि बाण भट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है जो 1946 में प्रकाशित हुआ, जिसका किस्तों में जो छपा था विशाल भारत के विभिन्न अंकों में, बाद में फिर प्रकाशित हुआ उप पुस्तका का, तो कैसे जानते हैं? यानी उसमें कथा सूत्र होते हैं, कथा के सूत्र होते हैं। नंबर वन, उसमें जीवन के विविध परिप्रेक्ष्य होते हैं, उसमें रचनाकार की जो जीवन दृष्टि है, उस जीवन दृष्टि को पल्लवित करने वाली घटनाएं होती हैं, और एक व्यापक संदर्भ में उपन्यास के लिए जो भी आवश्यक हैं, उन तमाम आवश्यक अंगों को पूरा करने वाली कृति होती है, तभी वह जीवनी होते हुए भी उपन्यास है, और क्या कहते हैं कि आत्मकथा होते हुए भी वह उपन्यास है, या नोट्स होते हुए भी, डायरी होते हुए भी वह उपन्यास है। उपन्यास को, उपन्यास में ध्यान दीजिए कि बहुत जरूरी होता है उपन्यास को समझने के लिए उसका कथा सूत्र, ध्यान दीजिए, ये भी कहानी हो या उपन्यास, इस चीज का आप ध्यान दीजिए कि उपन्यासकार आपको
कथा सुनाना, कहानी सुनाना नहीं चाह रहा है। वह तो उसे एक माध्यम के तौर पर अपना रहा है, उस कथा के माध्यम से, उस पात्र के माध्यम से, उस घटना के माध्यम से वह अपनी दृष्टि का, वह से जैसा उसका विजन है, वह उसकी जैसी रचना दृष्टि है, उसकी जैसी जीवन दृष्टि है, उसको वह आपके सामने उद्घाटित करना चाह रहा है। अब आप कहेंगे कि सीधे सीधे क्यों नहीं कह देता भाई, सीधे सीधे अगर वह कह देगा तो वह निबंध होगा ना, वह तो उपन्यास की रचना कर रहा है, उपन्यास की रचना कर रहा है कि उपन्यास की भी कुछ शर्तें होती हैं, कथा की रचना कर रहा है मतलब कथा की कुछ शर्तें होती हैं, तो उन्हीं शर्तों की को आधार बनाकर वह आगे जाता है और इस प्रकार से वह हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो इस खंड में ये जो खंड है, इस खंड में आपने देखा कि तमाम जो गद्य की विधाएं हैं और उन विधाओं के साथ उपन्यास का क्या संबंध है, एक चीज का ध्यान दीजिए। उपन्यास को समझने के लिए उपन्यास को आप कह सकते हैं कि मानव जीवन का महाकाव्य है, मानव जीवन का महाकाव्य। महाकाव्य जब हम कहते हैं क्या होता है, महाकाव्य जब हम कहते हैं तो एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में एक बृहत भूखंड और एक मनुष्य जीवन के, यानी राम है तो राम के बचपन से लेकर आपके कुश और लव के राजा बनने तक की कथा, या राम अपनी बेटालियन को लेकर पुष्पक विमान आ जाता है और उसमें है ना, पुष्पक विमान जब आता है उसी में सब चढ़ के चले जाते हैं तब तक की कथा, या फिर महाभारत की भी कथा, एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य और वो महाकाव्य है। तो उपन्यास भी, उपन्यास के बारे में रैल्फ फॉक्स जो उपन्यास और लोक जीवन, उन्होंने एक बहुत सटीक बात कही है। उन्होंने कहा है कि उपन्यास दरअसल जो ईश्वर विहीन जीवन की कथा, यानी एक ऐसा जीवन जिसमें ईश्वर न हो, अलौकिकता न हो, मिराकल न हो। अब आप देखिए कितनी सटीक बात उन्होंने कही थी। कोई भी बड़ा रचनाकार, आप प्रेमचंद को ले लीजिए, प्रेमचंद की रचना, प्रेमचंद के उपन्यास आपको इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि वो जिन मनुष्यों को निर्मित करते हैं या पात्र के तौर पर जिन्हें उठाते हैं, लेट कर आते हैं, वे सभी हड्डी और चमड़ी के बने पात्र हैं, अर्थात वे सभी मनुष्य हैं भाई। मनुष्य सुख में, दुख में, हर्ष में, विषाद में जैसा आचरण करता है, उसके पास उसकी दुर्बलताएं भी हैं और उसकी सीमाएं हैं, उसकी कमजोरियां हैं, उसका अंतर्द्वंद है, या उसकी जिजीविषा है, उसकी संकल्प शक्ति है। तो रक्त और मांस का बना हुआ जो मनुष्य होगा, उस रक्त और मांस का मनुष्य प्रेमचंद का पात्र बनता है। अब आप देखिए ना, पुष की रात कहानी आपने पढ़ी है, उसमें क्या करते हैं, वो चापलूस भी है तो उसके छिपाते नहीं है, आदर्श के नाम पर उसकी चापलूसी को, उसके आलस्य को वो छिपा कर नहीं रखते, उसको भी वो उद्घाटित करते हैं।
वो नशेबाज है, चिलम पर चिलम पीता जाता है, नहीं छिपाते हैं, यानी एज इट इज जैसा है उसी रूप में ही अपने पात्रों को चित्रित करना और अपनी दृष्टि के मार्फत से उसे रचित करना। हड्डी और चमड़ी के बने पात्रों की ये खूबी होती है, प्रेमचंद ने जी से दिखाया है अपनी कहानियों में ही नहीं। अब आप देखिए ना कि होरी जैसा पात्र, वो तो छल कपट भी कर लेता है। वो जो गन्ने का खेत था, सॉरी बांस का, सॉरी गन्ने का नहीं बांस का, जितने में बेचता है वो उसमें से भी कुछ दबा लेता है, अपने भाई का ही था जबकि। या जब वो राय बहादुर के यहां जाता है तो बड़ी चापलूसी करता है, लेकिन वो पात्र ऐसे पात्र जो रक्त और मांस के बने हुए होते हैं, जब इन पात्रों से गुजरता है ना पाठक, तो उसे लगता है कि ये कथा बड़ी विश्वसनीय है। पहली बात यह है कि कथा की विश्वसनीयता होनी चाहिए, अगर विश्वसनीयता नहीं है तो हम अरे ये सब बना रहा है गप, वो फेंक रहा है, ये फेंके जा रहा है, और कोई अगर फेंके जा रहा होता है तो वी डोंट बदर, वी डोंट केयर फॉर दैट, हम उसे गंभीरता से लेते नहीं है। आपके मित्रों में भी से आप देखा होगा कि क्या बोलते हैं कि पखाल भात और साग खाए होंगे, लेकिन कहेंगे कि आज मुक्त 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 50 चीजें खाई है, तो फेंकने वाले फेंकते हैं, उन्हें हम स्वीकार नहीं करते। तो वही मेंटालिटी रचना में भी चलती है, जो विश्वसनीय पात्र होगा, विश्वसनीय घटनाएं होंगी, उन्हें वे घटनाएं हमें अपील करती हैं, पाठकों को अपील करती हैं। तो हड्डी और चमड़ी के बने पात्रों की खूबी ये, मतलब रचनाकार, और ऐसा लगे कि किसी कल्पना लोक से नहीं लेके आया है इन पात्रों को, बल्कि इन पात्रों को वह अपने इर्द गिर्द में, जिनसे हमारा रोज, जिनसे हमारे रोज का तालुकात है, जिन्हें हम उठते बैठते चलते फिरते देखते हैं, जब वे पात्र आ जाते हैं उपन्यास में, तो हमें लगता है कि ये हमारी जानी पहचानी घटनाएं हैं, जाने पहचाने प्रसंग हैं, और इसी हिसाब से हम काम कर सकते हैं, और उसके प्रति एक अलग तरह का हमारा उस उपन्यास के प्रति, रचना के प्रति एक तरह का लगाव रहता है। इस संदर्भ में आपको, क्योंकि ये पूरा खंड पर थोड़ी सी चर्चा करनी थी, एक मुद्दा जिस पर आपको बताने की जरूरत है कि उपन्यास का जो उद्भव हुआ, उपन्यास का जो उदय हुआ, और उसके उदय के कारण क्या क्या है। ध्यान दीजिए कि 19वीं शताब्दी में ही उपन्यास का जन्म हुआ है, जहां तक भारतीय उपन्यास साहित्य की बात है। ऑल ऑफ यू नो 1857 में, 1857 में बहुत बड़ी क्रांति हुई, और आलालेल घर दुलाल जो है वो 1858 में लिखा गया, और 57 के आसपास कादंबरी लिखा गया, कादंबरी में मतलब वो मराठी वाले इसे कादंबरी कहते हैं, जिसे गुजराती नवल कथा कहते हैं, है, और राजस्थानी पहले नवल कथा कहते थे प्रारंभिक दिनों में, बाद के दिनों में फिर उसे व्यापक अर्थ में उपन्यासी माने, और हिंदी में जो उपन्यास आया है ये जाहिर सी बात है कि बंगला से ही आया है। उपन्यास मतलब मानव जीवन के सामने, उपन्यास का सामान्य अर्थ ही होता है मानव जीवन के सामने जो कुछ प्रस्तुत है, उप मतलब उप जोड़ न्यास, न्यास मतलब थाती, मनुष्य के सामने जो कुछ रखा हुआ है, यानी हम जो कुछ देखते हैं, उपन्यासकार जो कुछ देखता है,
बहरहाल तो 1857 के बाद की ही घटनाएं हैं, यानी 19वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध या उत्तरार्ध के बाद ही भारतीय साहित्य में उपन्यास आ रहे हैं। और उड़िया का अगर हम ध्यान दें तो वो पद्ममाली आदि को भूल जाइए, अगर हम इसको भी रखें, फकीर मोहन सेनापति के 6 मान 8 गुंठ को रखें, तो भी वो बाद में ही आता है, 1897 में आता है। क्यों आया उपन्यास का उदय, क्यों हुआ उपन्यास के उदय के पीछे क्या कारण है? क्योंकि क्या सिर्फ इसलिए कि गद्य का विकास हुआ इसीलिए उपन्यास आया? क्या इसमें प्रेस की स्थापना की कोई भूमिका है? क्या इसमें जो पूंजीवाद का उदय हुआ और पूंजीवाद के उदय के साथ साथ मिडिल क्लास यानी मध्य वर्ग का जन्म होता है, एक मध्य वर्ग उभर कर आता है फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, दफ्तरों में काम करने वाले लोग, मध्य वर्ग, और तमाम उपन्यासों में, चाहे वो प्रेमचंद हो या यशपाल, तमाम उपन्यासों में जिन पात्रों को लिया गया, वे सारे के सारे लगभग सभी पात्र मध्यवर्ग के हैं, मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना और विसंगतियों का चित्रण है, उनकी उलझने हैं, उनके अंतर्द्वंद हैं। तो क्या मध्यवर्ग के का जो उदय हुआ, मध्यवर्ग का उदय और सबसे बड़ा पाठक वर्ग जो तैयार हुआ, देखिए पहले जमाने में क्या था, सामंतवाद था तो सामंतों के यहाँ कुछ मुंशी रहा करते थे, सामंतों के यहाँ कुछ दरबारी रहा करते थे, सामंतों के यहाँ कुछ राजकवि रहा करते थे, दरबारी कवि रहा करते थे। और आप ये जो महाभारत कहिए, गीता कहिए, रामायण कहिए, कठोपनिषद कहिए, ये सब कुछ लोगों के लिए ही लाल डोरी में बांध कर रखने वाली चीज थी। यानी जैसे ही सामंतवाद का पतन होता है, सामंतवाद के बाद पूंजीवाद आता है, तो प्रिंटिंग प्रेस के चलते इस विधा का जो जन्म हुआ और मध्यवर्ग में, उस मध्यवर्ग की, मिडिल क्लास की, हालांकि मिडिल क्लास के भी 3 कैटेगराइजेशन है, निम्न मध्यवर्ग, मध्यवर्ग और उच्च मध्यवर्ग, तो इन तीनों हैं, लेकिन हैं तो वे मध्यवर्ग के ही। और इस मध्यवर्ग की जो भूमिका रही उसका ये सब कारण है। ध्यान दीजिए, सामंतवाद ऐसा नहीं है कि सामंतवाद आपने स्विच दबाई और सामंतवाद खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, अचानक सामंतवाद खत्म नहीं हो गया और अचानक पूंजीवाद आ नहीं गया। सामंतवाद के जाने और पूंजीवाद के आने में, इन दोनों के बीच में एक संक्रमण काल भी होता है, और उस संक्रमण काल की स्थितियां, मतलब ये बहुत ही एक अलग तरह का विश्लेषण है। सामंतवाद में महाकाव्य को प्रमोट किया था, और जैसे ही, मतलब जैसे ही सामंतवाद का प्रभाव खत्म होता है, ह्रास होता है, पूंजीवाद आता है, और पूंजीवादी सभ्यता में उपन्यास का जन्म होता है, क्योंकि अवसर विनोदन आदि के लिए ही नहीं, बल्कि जो मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों का जो चित्रण हो रहा था, इसलिए मध्यवर्ग की एक बड़ी भूमिका है उसमें। साथ ही साथ प्रिंटिंग प्रेस की जब स्थापना हुई, आप लोगों को पता ही है कि 1800 ईस्वी में कलकत्ते के पास श्रीरामपुर, यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूरी पर श्रीरामपुर है, और श्रीरामपुर में प्रेस की स्थापना हुई सबसे पहले।
जब प्रेस की स्थापना हुई, तमाम पत्र पत्री, और उसके बाद तो फिर बनारस और लखनऊ और तमाम जगहों पर प्रेस की स्थापना हुई, तो जब पत्र पत्रिकाएं निकली, खुद अब आप देखिए ना भारतेंदु को, भारतेंदु ने स्वयं कवि वचन सुधा प्रसिद्ध पत्रिका निकाले, फिर और भी दो दो पत्रिकाएं, हरिश्चंद्र मैगजीन पहले नाम था, उसे हरिश्चंद्र चंद्रिका किया, और क्या हुआ, इतना नहीं बल्कि बाला बोधिनी महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए खुद खुद तीन पत्रिका निकाल रहे थे। इनमें भी रचनाएं आती हैं, गद्य की रचनाएं आती हैं, और उनकी तो प्रतिज्ञा थी, भारतेंदु की प्रतिज्ञा ये थी कि बहुत अमीर घराने के थे और इतने बड़े अमीर घराने के थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनके यहां से उधार लेती थी, कर्जा लेती थी, लेकिन जैसे कि अंग्रेजों को आप जानते हैं कि अमुक केस और तमुक केस में फंसा कर, है ना, तो उसमें उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई उनके पूर्वजों की, तो भारतेंदु ने एक प्रतिज्ञा की, उनकी प्रतिज्ञा थी कि इस धन ने मुझे खाया है, अब मैं इस धन को खाऊंगा, और जो भी पूर्वजों का धन था उस धन को उन्होंने कैसे खाया, भारतेंदु मंडल बनाया, बालमुकुंद मुक्त बालमुकुंद गुप्त हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री चौधरी आदि हैं, सबको बुलाया, सबको अपनी तरफ से वितरित किया, पत्र निकालिए, पत्रिका निकालिए, साहित्य के विकास के लिए, गद्य के विकास के लिए अपना धन को स्वाहा कर दिया। यहां तक कि आपको ध्यान होना चाहिए कि उपन्यास केंद्रित भी बाद के दिनों में उपन्यास लहरी हो या उपन्यास हो या फिर इस तरह की केवल उपन्यास केंद्रित पत्रिकाएं भी निकलने लगी, आनंद कादम्बिनी आदि की तो बात छोड़ दीजिए। तो प्रेस की स्थापना ने उपन्यास के विकास में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं, आप उन वो बहुत महत्वपूर्ण हो है कि उपन्यास के उदय के कारण, उपन्यास के उदय और उसके विकास के कारण, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और मैं अब चाहूंगा कि आप छात्रों के मन में किसी तरह का कोई सवाल हो, शंका हो, तो थोड़ा सा समय है तो मैं चाहूंगा कि उसे क्लैरिफाई कर लें। अभिषेक आप थोड़ा बता दीजिए उन लोगों को कि जी सर धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर, बच्चों को ही नहीं मुझे ही बहुत कुछ सीखने को मिला, नया कुछ सीखने को मिला सर। सर पहला प्रश्न एक विद्यार्थी ने पूछा है, मैं उसे थोड़ा सा मिला है, उनका यह कहना है कि सर जब हम देखते हैं उपन्यास को, तो जब प्रेमचंद काल हुए चाहे प्रेमचंद से पूर्व वाले काल हुए, उस समय गद्य विधाओं का बहुत अच्छा एक दौर चल गया, लोग पसंद भी करते थे, गद्य विधाएं पढ़ते थे, लेकिन वहीं आजादी के बाद हम देखिए 1950-56 के बाद गद्य विधाओं में उपन्यास के अलावा नाटक या अन्य आत्मकथा हो गए या यात्रा वृत्तांत हो गए, इन्होंने तेजी पकड़ ली, इसका कारण क्या था, क्योंकि उससे पहले उपन्यास के तो बहुत लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते थे, उपन्यास के बहुत अच्छी बिक्री भी होती थी, उपन्यास बहुत श्रेष्ठ माना जाता था, उसके बाद फिर ऐसा क्या दौर आया कि नाटक, जैसे हम देखते हैं राकेश मोहन राकेश को देख लिया, चाहे धर्मवीर भारती को देख ले या और आगे अनेक काव्य को देखे, तो उसमें आत्मकथा और अलग अलग विधाएं शुरू हो गई, इसका पीछे का कारण क्या? हाँ देखिए कि जब आत्मकथात्मक शैली में कुछ लिखा जाता है, आत्मकथात्मक शैली में उपन्यास भी लिखे गए हैं, और जब आत्म डायरी मतलब ये जो आत्मकथा भी लिखी गई है, मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि गुड़िया भीतर गुड़िया या एक कहानी यह भी, और प्रभा खैतान की आत्मकथा, तीनों एक साथ आती हैं। आत्मकथा लिखने का मतलब चीजें क्या है कि जब चीजें आती हैं तो हम उसमें जो है ना कि ज्यादा अंतरंगता रहती है, अंतरंगता इन द सेंस कि वह अपने को उद्घाटित कर रहा होता है और
आपका जो सवाल था दरअसल ऐसा था कि वो स्वातंत्रोत्तर काल में उपन्यास की तुलना में जो आपने कहा कि जो आत्मकथा है, या फिर जैसे कि हम ओम प्रकाश वाल्मीकि की भी आत्मकथा ले लें, तो आत्मकथा लिखने का न केवल चलन हुआ बल्कि उसके प्रति पाठकों की भी एक बड़ी रुचि जग गई। जैसे अन्या से अनन्या, प्रभा खैतान का, या फिर गुड़िया भीतर गुड़िया। लेकिन उसमें एक चीज ये भी हुई कि कहीं ना कहीं उसमें भी आप अगर देखेंगे, सब कुछ पढ़ा गया लेकिन लाइक किसे किया लोगों ने? लाइक वही किया जो तटस्थ होकर लिख रहा है। और आत्मकथा में बहुत ही कम लोग हैं जो सही सही ढंग से, जैसे कि मैत्रेय पुष्पा जी ने भी गुड़िया गुप्तर गुड़िया या फिर कस्तूरी कुंडली बसे, इनमें भी जो लिखते हैं वो बहुत कुछ छिपा देती हैं। और आत्मकथा में छिपाना नहीं चाहिए कुछ। जैसे कि हम गांधी जी की आत्मकथा अगर देखते हैं तो उसमें वो एकदम कबूल करते हैं कि मैंने ऐसा किया, ये किया। लेकिन यहाँ आत्मकथा में ये नहीं रहा, लेकिन वो पढ़ी जाती है। रही बात उपन्यास की, मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं कि जब उपन्यास में नया कंटेंट, न्यू फॉर्मेट, न्यू स्टाइल आ जाते हैं तो वो उपन्यास भी एक साल में तीन तीन संस्करण छपते हैं। जैसे मैं केवल तीन नाम ले रहा हूं, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर जी का आया, बहुत विवादित हुआ, अलग चीज है, लेकिन कितने पाकिस्तान में वो केवल भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात नहीं कर रहे हैं, खूब पढ़ा गया। जब न्यू फॉर्मेट एंड न्यू कंटेंट में अलका सरावगी का कलिकथा भाया बाईपास आता है, एक साल में तीन संस्करण आया, कथा कहने का ढंग अलग हो जाता है। या पिछली बार जो साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था चित्रा मुद्गल जी को, उनके उपन्यास कमरा नंबर 203 नाला सोपारा, पूरा का पूरा नॉवेल वो पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। यानी बेटा है बिन्नी, अपनी मां को लिख रहा है और मां का पत्र है बेटे के पास, पूरा का पूरा जो है पत्रात्मक शैली है। और नाला सोपारा में क्या है कि जो हमारा थर्ड जेंडर है, जिन्हें हम हिंजड़े कहते हैं, और नाला सोपारा आप जानते हैं कि मुंबई के एक इलाके का नाम है, और उनकी दास्तान है, उनकी जिजीविषा है, उनकी संघर्षशीलता है, लेकिन वो अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया। तो इसलिए मैं ये नहीं मानूंगा भाई अभिषेक, नहीं उस छात्र के प्रति मैं ये कहूंगा कि उपन्यास भी, या फिर अखिलेश जी का उपन्यास जब आया निर्वासन, उसके भी बड़ी, मतलब जब भी हम देखते हैं कि कुछ नए विषय, नए कंटेंट, अंतर्वस्तु नई है, शैली अलग है, नए ढंग का है, तो खूब पढ़ा जाता है। चाक भी खूब पढ़ा गया, इदन नमम भी खूब पढ़ा गया। तो उपन्यास भी पढ़े जा रहे हैं, कथा साहित्य पढ़े जा रहे हैं, लेकिन इस समय जो है, इस समय बिल्कुल ये सब बहुत बड़ा सवाल किया है। इस समय देखिए कि कविताएं खूब लिखी जा रही हैं, उपन्यास भी लिखे जा रही हैं और कहानियां भी लिखी जा रही हैं, लेकिन आज की तारीख में सबसे अधिक अगर पाठक वर्ग किसी विधा के हैं तो वो कहानी के हैं, क्योंकि हमारा जो है ना लेवल ऑफ कंसंट्रेशन अब हम तुरंत खत्म कर देना चाहते हैं। और एक बात हुई है, जब ये बहुत अच्छा सवाल है,
जब ये इसका तमाम चैनल्स आ गए और जिसे आप कहते हैं कि फिल्मांकन हुआ और तमाम सीरियलाइज हो रहे हैं, तो उसको टुकड़ों में देखा जा रहा है और अभी बृहद उपन्यास पढ़ने का धैर्य है वो अभिषेक को होगा, अरुण होता को होगा, या ऐसे कुछ लोगों को ही होगा, मैक्सिमम लोगों के पास वो नहीं होता है। मैं अपना अनुभव ही बताऊं कि मैंने परीक्षा गुरु उपन्यास जो है अपने सिलेबस में रखा और मैंने सभी पहले तो कहा कि लोगों ने कि किताब नहीं मिल रही है, मैंने उसकी ई कॉपी सबको फॉर्मेट भेजी, आधे से अधिक छात्रों ने पढ़ा ही नहीं या जिंदगी नामा पढ़ेंगे ही नहीं, उसके बारे में आप 1.5 घंटे 2 घंटे का वक्तव्य दे दीजिए, उसी के आधार पर जो करेंगे। तो हमारा धैर्य कहीं ना कहीं खो रहा है उपन्यास के प्रति, ये एक चीज है। जबकि ये विश्व साहित्य के परिदृश्य में भी हो रहा है अभिषेक, ये केवल हिंदी के परिदृश्य में नहीं हो रहा है, नॉन फिक्शन खूब पढ़ा जा रहा है अभी, मतलब चाहे वो क्या बोलते हैं कि अमिताभ घोष या तमाम जो नॉन फिक्शन राइटर्स हैं, क्या क्या सब की करोड़पति कैसे होंगे, जीवन में सफलता कैसे होगी, इस तरह की पुस्तकें अधिक पढ़ी जा रही हैं। तो ये जो टीवी का आगमन हुआ यानी दूरदर्शन का हुआ, चैनल्स का आया, इसने बहुत कुछ बाधित किया है, हमारा अधिकांश समय जो है हम उसी में चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है पठनीयता के प्रति हमारा ध्यान नहीं रह रहा है। और सारे उपन्यास अच्छे भी होंगे ऐसी भी तो बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ मैं तो कई उपन्यास पढ़ भी नहीं पाता हूँ, 10-12 पेज की बात नहीं पढ़ पाता हूँ, तो नहीं पढ़ पाता हूँ, पठनीयता बहुत जरूरी है भाई। प्रेमचंद की भाषा में ना लिखें, प्रेमचंद की भाषा में ना बोलें, लेकिन कम से कम आप जो कहना चाह रही हैं वह तो छात्रों तक या अभिषेक तक ठीक ठीक पहुंच जाए या निशान तक पहुंच तो जाए, हम जो बताना चाह रहे हैं वो बताना जो भी चाह रहे हैं वो उन तक पहुंचे पहले, अगर वहां तक ना पहुंचे तो फिर लिखने का क्या मतलब है। इसीलिए दिनकर जी ने कहा था तुम क्यों लिखते हो, एक प्रसिद्ध कविता है दिनकर जी की, तुम क्यों लिखते हो। बहरहाल ये है, ये तो सही बात है कि फिक्शन की तुलना में नॉन फिक्शन अधिक पढ़े जा रही हैं, लेकिन फिक्शन भी पढ़े जा रहे हैं, जब महत्वपूर्ण हो जाता है तो उसकी भी हम लोग उसका भी हम लोग पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि कहानियां सर्वाधिक पढ़ी जा रही हैं आज की तारीख में। जी सर, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ पाठक वर्ग ही नहीं उपभोक्ता वर्ग को भी हम देखें तो टेस्ट मैच से हट के आजकल T20 की ओर ज्यादा अग्रसर हो रही है। हाँ बिल्कुल, अब 50 ओवर्स वाला मैच भी, अरे 60 ओवर से हटाकर 50 ओवर का मैच बनाया, 50-50 का बनाया, वो भी नहीं देख रहे हैं, अब केवल देख रहे हैं तो वो जो लास्ट 5 ओवर्स या लास्ट 10 ओवर्स ही देखेंगे, तो ये मानसिकता आ गई है, ये सही बात है। जी सर, मैं जल्दी जल्दी सर कुछ प्रश्न को जोड़ता हूँ क्योंकि समय भी कम है, जल्दी दो तीन प्रश्नों को जोड़ के एक बनाता हूँ। जैसे एक विद्यार्थी ने पूछा है कि पंजाबी में उपन्यास का विकास कैसे हुआ, और उसी में दूसरा प्रश्न एक मैं जोड़ता हूँ, एक विद्यार्थी पूछते हैं कि उपन्यास में पाठक वर्ग के लिए कोई मैसेज रहना जरूरी है क्या, क्या ये उपन्यास के लक्षणों में आएगा कि मैसेज रहना जरूरी है। पंजाबी में उपन्यास का विकास जो है ये अलग विषय है, वो बहुत व्यापक विषय है, और वहां भी हम देखते हैं कि उन लोगों ने उसे, जैसे मैंने कहा ना कि वो किस्सा काव्य कहते हैं, लेकिन अभी जो उपन्यास का विकास हुआ है पंजाबी में वो तो मतलब हिंदी के टक्कर का है, और बहुत आप भीष्म साहनी कहिए, मोहन राकेश कहिए, इन लोगों ने हिंदी में आकर लिखा था, अलग चीज है, लेकिन अभी का जो उपन्यास है वो विश्व स्तरीय है, मतलब बहुत ही कायदे के उपन्यास आ रहे हैं, वो दूसरा प्रसंग है, इस प्रसंग से कम जुड़ता है, लेकिन दूसरा विषय महत्वपूर्ण है प्रश्न का दूसरा पार्ट, प्रश्न का दूसरा पार्ट उनका जो है वह है कि क्या
उपन्यास में पाठक वर्ग के लिए कोई संदेश रहेगा? बिल्कुल रहेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कब कुछ नहीं रहेगा। मतलब ऐसा करना चाहिए पाठकों को या मनुष्य को, ऐसा करना चाहिए। अगर ये कर देता है तो उपन्यास फिर बैक में चला गया। कहां चला गया? यानी 1857 के बाद जो उपन्यास आए थे, उपदेश प्रधान उपन्यास हो गए थे, है ना, वो उसमें चले जाएंगे। होता यह है कि उपन्यास हमारी आंखें खोलता है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट उपन्यासकार नहीं कहेगा सीधे। आज की तारीख में अगर उपन्यास लिखा जा रहा है, कहानी लिखी जा रही है, तो उपन्यास ये नहीं कहेगा कि ये बहुत गलत काम कर रहा था। बिल्कुल ऐसा वाक्य कहीं नहीं रखेगा। वो घटनाएं बताएगा और लेट द रीडर थिंक, वो पाठक पर छोड़ता है। किसी एक वाक्य में उसकी जीवन दृष्टि रहती है। जैसे अब आप देखिए होरी को, पूरे उपन्यास में रचनाकार चाहता क्या है? रचनाकार चाहता है कि जीवन में ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं? ये चापलूसी भी है, ये आलस्य भी है, और ये दकियानुसी विचार भी हैं। ये सब रहेंगे, लेकिन जुझारूपन और जिजीविषा, मरते दम तक उसने अपनी जिजीविषा बनाई रखी। तो गोदान के माध्यम से वो जो मर्जाद की रक्षा, मौर्जाद माने किसान बने रहने की मर्यादा, उसको पालन करने के लिए उसका जो जुझारूपन है और उसकी जिजीविषा है, तो वो क्या संदेश दे रहा है? कहीं आपको सीधा प्रत्यक्ष प्रेमचंद ने नहीं लिखा है कि पाठकों को ध्यान देना चाहिए कि होरी जैसा, मतलब इस पात्र का जैसी जिजीविषा है, ऐसी जिजीविषा को बनाए रखें। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। वो परोक्ष ढंग से घटनाओं के माध्यम से, पात्रों के संवाद के माध्यम से वो व्यक्त करेगा। तो इसे हम कहेंगे परोक्ष विधि, ठीक है? और परोक्ष विधि अगर रहती है तो उसकी कला फूटेगी, उसका सौंदर्य उभरेगा। अन्यथा वो नहीं तो फिर नीतिवाचक, मतलब नीति कथा सुनाने वाले, सुक्ति सुनाने वाले, उपदेश देने वाले जैसे होते हैं, फिर वो उपन्यास भी वैसा हो जाएगा। फिर इसलिए रहेगा ईच एंड एवरी रचना में कोई ना कोई मैसेज रहता है। हाँ, ये प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहता, परोक्ष रूप में रहता है। पाठक मूर्ख नहीं होता, ये रचनाकार भी जानता है। और जो रचनाकार पाठक को मूर्ख समझता है, वो रचनाकार कभी रचनाकार बन ही नहीं सकता। तो पाठक के लिए जो स्पेस होना चाहिए, वो स्पेस हमेशा रचनाकार देता है, और उन चीजों को पाठक उद्घाटित करता है। आप कोई भी रचना का नाम लीजिए, मैं बता सकता हूं कि मेरी दृष्टि से, मैं गलत भी हो सकता हूं, जरूरी नहीं है कि मैं सही जा रहा हूं, लेकिन हर एक रचना के पीछे रचनाकार कुछ आपको बताना चाह रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपकी आंखें खोल रहा है। सीताकांत महापात्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि नीरी कविता भला क्या कर सकती है, नेली, बेरुत और तमाम जगहों पर जो भुखमरी है, जो सांप्रदायिकता है, म्यान से उठी हुई तलवार को फिर से म्यान में ले जाने की, वापिस लौटा लेने की शक्ति कविता में नहीं होती। किसी भूखे को कविता दो रोटी या दो टुकड़े अन्न नहीं दे सकती, लेकिन कविता इतनी नीरी नहीं होती, कविता इतनी लाचार नहीं होती। कविता हमारी आंखें खोल देती है, और आज हमारी आंखें सब हम बंद किए हुए हैं, हम देखना ही नहीं चाहते, हम सवाल ही नहीं करते हैं, हम विचार ही नहीं करते हैं जो हमारे ऊपर थोप दिया जाता, हम सवाल करना भूल गए हैं। क्योंकि सवाल करने का मतलब हो जाता है क्या,
कि हम एंटी नेशनल हो गए, राष्ट्रद्रोही हो गए। सत्ता से सवाल कर दीजिए, बहुत आपका अरेस्ट बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सत्ता से सवाल नहीं किया जा सकता। तो ये जो सवाल करना हम भूल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये रचना ही हमको सिखाती है, रचना से ही हम ये साहस लेते हैं, हमारी आंखें तब खुलती हैं जब हम इन रचनाओं से गुजरते हैं। लेकिन कहीं भी वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं, परोक्ष रूप में रचनाकार की जीवन दृष्टि रहती है। और कोई सवाल? जी सर, सर एक सवाल जो मुझे भी थोड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है, मैं पूछूंगा एक विद्यार्थी ने किया है, कि यह अनुवाद का दौर उपन्यास में कब से चल रहा है, और क्या अनुवादित किए गए उपन्यास उतने ही प्रख्यात या इतने ही फेमस हो पाते हैं जितने की साधारण एक बोली या भाषा या हिंदी में लिखे गए उपन्यास? ओके ओके ओके, ध्यान दीजिए कि मैंने बताया बंकिम के उपन्यास, चाहे वो दुर्गेश नंदिनी हो या आनंद मठ हो, जब इन उपन्यासों का अनुवाद हिंदी में आया, भारतेंदु काल में आया, तब से लेकर 26 अप्रैल 2020 तक निरंतर अनुवाद कार्य उपन्यासों के हो रहे हैं। और अनुवाद करने कराने में सबसे बड़ी भूमिका जो है एनबीटी की है, नेशनल बुक ट्रस्ट की है, साहित्य अकादमी की है, और भी तमाम संस्थाएं हैं जो करा रही हैं। लेकिन उपन्यास देखिए, भारतेंदु काल में जब उपन्यासों का अनुवाद होकर आया था, तो हिंदी के रचनाकारों ने जब उसे पढ़ा, तब उन्होंने जाना, वो अच्छा ऐसे होता है उपन्यास, तो उसके फॉर्म से परिचित हुए, उसके रूप से परिचित हुए। और ध्यान दीजिए कि केवल वो अनुवाद में नहीं उलझ कर रह गए, फिर तो फिर परीक्षा गुरु से होते हुए, या परीक्षा गुरु से पहले भी देवरानी जेठानी की कहानी से होते हुए, या श्यामा स्वप्न से होते हुए, परीक्षा गुरु से होते हुए प्रेमचंद काल, यशपाल, है ना, या अज्ञे तमाम, तो फिर चल पड़ा। अनुवाद की सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, पहले जमाने में ये होता था, निराला जैसे लोगों ने अनुवाद किया है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले भारतीय उपन्यासों पर बात करने के लिए मुझे चेन्नई में बुलाया गया था। और चेन्नई में जब हम शरद के उपन्यासों पर का जिक्र कर रहे थे, और मैंने कहा कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने बांग्ला उपन्यासों में ऐसे ऐसे किया, तो एक बूढ़े से व्यक्ति ने हाथ उठाया, बुजुर्ग व्यक्ति थे, हाथ उठाया और कहा कि अरे नहीं, शरद तो हमारे रचनाकार हैं। यानी मुझे बड़ा अच्छा इसलिए लगा कि शरद चंद्र चटर्जी बांग्ला में लिखते थे, लेकिन जब वह तमिल में अनुदित होकर जा रहा है, तब उन्हें लग रहा है कि उनकी भाषा का ही वो रचनाकार है। ये रचनाकार की तुलना में अनुवादक की खूबी अधिक हुई। तो लेकिन आजकल कहां आप अनुदित चीजों को पढ़ेंगे, तो आपको लग जाएगा कि बहुत कम रचनाकार हैं जो अनुवाद करते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि ये अनुदित है, हैं? लेकिन अनुदित रचनाएं जो है, अनुदित रचनाएं ही रह जाती हैं, इसलिए क्योंकि उसमें वो सारी चीजें नहीं आ पाती हैं, ये अनुवाद की सीमा कह लीजिए इसको। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सामर्थ्य ये है, शक्ति ये है कि आप ऐसा अनुवाद कीजिए लक्ष्य भाषा में, स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में ऐसा अनुवाद कीजिए कि स्रोत भाषा वाले ये समझें कि बिल्कुल उन्हीं की बात आपने कह दी है।
यानी उतनी एप्रोप्रिएट हो जाए अनुवाद, तो ऐसे अनुवाद बहुत कम हो रहे हैं। ये एकदम सही सवाल है, और इस लेकिन होना ये चाहिए ना कि जब अनुवादक भी रचनाशील होता है, जब अनुवाद भी अनुवाद करने वाला भी बेसिकली रचनाकार होता है, जैसे राजेश जोशी किसी अंग्रेजी कविता का हिंदी में अनुवाद करेंगे, है ना, वो जितना उसे अभिव्यक्त कर पाएंगे अरुण होता करेगा तो उतना पावरफुल नहीं होगा, क्योंकि राजेश जोशी हमारी भाषा के बड़े कवि हैं, है ना। तो रचनाशील व्यक्ति यानी जो खुद सृजनशील व्यक्ति रहता है, जो मौलिक रचना लिखता है, उसका अनुवाद अलग होता है, और अनुवाद अगर सही हो गया तब तो फिर वो लक्ष्य भाषा का स्वाद देने लगेगा। ठीक, इसलिए जी इसलिए सही बात है। हाँ हाँ अनुवाद की गई पुस्तकें या कोई भी साहित्य में, जैसा मेरी बात करें तो मुझे उषा महाजन की उपन्यास बहुत ज्यादा पसंद है जो उन्होंने अनुवादित किया, चाहे खुशवंत सिंह की दिल्ली की बात करें तो बहुत बेहतरीन से उसका अनुवाद हुआ है। नहीं, वही बात है कि अगर खुद भी रचनाकार है और अनुवादक कर हो रहा है तब तो वो ध्यान देता है उन चीजों को। जी और सर, हाँ, जैसे बहुत लोग कहते हैं, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, जी मुझसे अगर कोई कहे आप हिंदी से उड़िया में अनुवाद कर दीजिए, है ना, तो मैं सुपर फ्लॉप हो जाऊंगा। वो फिर उड़िया के तमाम रचना, दो तीन रचनाकारों को दिखाऊंगा, वो लोग 50 तो गलतियां निकालेंगे। यानी जो ये जो थ्योरी आप लोगों के दिमाग में है कि जिसकी जो मदर टंग है उस मदर टंग में अगर वो अनुवाद करे तो बेहतर होगा, मेरे साथ ये फिट नहीं हुआ है। मैंने जितना अनुवाद किया है, चाहे वो अनुवाद NBT से हो या चाहे वो अनुवाद साहित्य अकादमी से हो, अब हाल फिलहाल में मैंने फकीर मोहन सेनापति की कहानियों का अनुवाद किया, साहित्य अकादमी से आया है वो, तो मैं कभी मतलब उड़िया से हिंदी में करने में मुझे जितनी सहूलियत होती है, मुझे उतनी सहूलियत नहीं होती, मैं कर ही नहीं पाऊंगा ठीक से हिंदी से कोई चीज उड़िया में, क्योंकि वो मेरी पकड़ नहीं है। इसलिए मातृभाषा में ही अनुवाद करना चाहिए, नहीं, मेरे लिए तो मातृभाषा से अनुवाद करना चाहिए। मैं की जगह से बिठा देता हूँ, हर जगह हर थ्योरी लागू नहीं हो सकती। जी सर, सर इसी चरण में मैं अंतिम एक प्रश्न उठाऊंगा, उसके बाद एक कुलपति सर से अनुरोध करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम को समापन करें। अंतिम प्रश्न एक बिल्कुल विद्यार्थी ने पूछा है सर, उपन्यास और निबंध में अगर हम अंतर की बात करें तो कौन से मुख्य अंतर हैं जो उपन्यास से निबंध को अलग बनाते हैं? बिल्कुल। देखिए, निबंध जो है वो अधिक विचारात्मक होता है, और आपके विचारों को, आपके थिंकिंग प्रोसेस को और आपके दर्शन को वह व्यक्त करता है निबंध, आपके विचारों की कड़ी को व्यक्त करता है। उपन्यास में भी विचार होते हैं, आइडियोलॉजी के बिना, विचारधारा के बिना कोई रचना हो ही नहीं सकती, लेकिन वो आइडियोलॉजी जो है वह दाल में नमक की तरह रहती है। तो उपन्यास में क्या होता है, विचार तो उपन्यास में भी रहता है, लेकिन उस विचार को कथा सूत्रों में पिरोया जाता है। जैसे माला गूंथते हैं, माला में पांच जो है चमेली के फूल देने के बाद एक जो है अर्क फूल दें कि किसका फूल दें, ये लाल फूल कौन सा दें, तो जिस प्रकार एक माला पिरोया जा माला पिरोई जाती है, ठीक उसी तरह विचार भी उसी तरह पिरोए गए होते हैं, लेकिन कथा के सूत्रों में। जो कुछ भी कहा जाएगा वह कथा के मार्फत से कहा जाएगा, और कथा जानते हैं एक आधिकारिक कथा होती है, प्रासंगिक कथा होती है ना, तो बिना कथा के मार्फत से उपन्यास नहीं लिखा जाएगा, और जबकि निबंध में केवल विचार ही विचार होंगे। जैसे
आप चिंतामणि का कोई एक निबंध ले लीजिए, जैसे लोकमंगल की साधनावस्था या कविता क्या है, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स जरूर दिए गए हैं। कहाँ एग्जाम्पल दिए गए? क्योंकि वो व्यास शैली में लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल अपने निबंध। व्यास शैली क्या है? फर्स्ट लाइन, पहला वाक्य किसी भी पैराग्राफ का वो है उसका फॉर्मूला, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का पहला वाक्य फॉर्मूला है। इसके बाद के तमाम वाक्य उस पैराग्राफ के उसका एनोटेशन है, उसका एक्सप्लेनेशन है, और अंतिम वाक्य उस पैराग्राफ का उसका कंक्लूशन है। यह है व्यास शैली। इस सूत्रात्मक शैली में वो लिख रहे होते हैं, लेकिन उपन्यास में ये चीजें जो मुख्य पात्र है, जो सहायक पात्र हैं, उनकी उनके मार्फत से हों या विभिन्न घटनाओं के मार्फत से हों, उस चीज को इशारा करते हुए कहा जाएगा, न कि वो विचार ज्यों का त्यों उपन्यास में रखा जाएगा। तो यहां कथा महत्वपूर्ण होते हैं, निबंध और उपन्यास में निबंध विचार परक होते हैं, जबकि उपन्यास कथा सूत्रों में पिरोया हुआ होता है। यह मूलभूत डिफरेंस है दोनों में, एकदम संक्षेप में यही अंतर है दोनों का। और कोई सवाल? नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी ओर से, अगर आपकी अनुमति हो, तो एक सवाल, अपनी जिज्ञासा पूछना चाहूंगा आपसे। बोलो। जी सर, जब आपने जैसी बात कही कि धर्मवीर भाटी की हम जब बात करते हैं, सूरत का पादवा घोरा का जब आपने जिक्र किया और गुनाहों का देवता का जिक्र किया, तो आप कह रहे थे कि गुनाहों का देवता बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी गई है, बहुत संस्करण उसके लगातार छपते हैं, और मैंने कहीं कहीं एक हिंदी साइट में कहीं पढ़ा था कि कई जगह उसे मतलब प्रेमी जोड़ों का बाइबल भी कहा गया है, गुनाहों का देवता को। और वहीं पर हम सूरज का सातवां घोरा की बात करें, तो कई लेखक, कई आलोचकों ने सर सूरज के सातवें घोरे को प्रयोगात्मक हिंदी उपन्यास के अंदर भी रखा है, कि वो एक प्रयोग के तौर पर शुरू हुई। जैसे स्वतंत्रता प्रेमचंदोत्तर युग की बात करें तो सामाजिक उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक, इस तरह का उपन्यास है। तो प्रयोगशील उपन्यास में कई सारे ऐसे उदाहरण बहुत से, जैसे एक इंच मुस्कान को कहते हैं कई लोग गिरधर गोपाल के चांदनी के खंडर को कहते हैं, कि वो 24 घंटे की कहानी है, उसे एक उपन्यास का नाम दे दिया। तो सूरज का सातवां घोरा को भी कई लोग प्रयोगशील उपन्यास में रखते हैं, तो ये कहाँ तक है, इस पर से थोड़ा सा आपकी राय जानना चाहूंगा। नहीं, दरअसल जैसे तुम्हारे प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है, क्योंकि वो पहले उपन्यास में वो प्रेम का मामला है, और जहां कहीं भी इस तरह का प्रेम का चित्रण रहेगा तो उसे लोग ज्यादा पढ़ेंगे, है ना। और पढ़ा जाना, हमने लोकप्रियता के अर्थ में कहा था, और श्रेष्ठता, लोकप्रियता और श्रेष्ठता दो अलग अलग चीजें हैं, मैंने यही कहा था। जैसे कि वो जो है प्रयोगशीलता, जैसे कि उसने कहा, तुमने सूरज का सातवां घोड़ा में, सूरज का सातवां घोड़ा में प्रयोगशीलता है, संकेतात्मकता है, और संकेतात्मकता के साथ साथ प्रतीकात्मकता भी जबरदस्त है, और उसका जो औपन्यासिक मूल्य है ना, एक बृहत कालखंड में जो उसका औपन्यासिक मूल्य है, उतना औपन्यासिक मूल्य इसमें नहीं है, इस उपन्यास में नहीं है। इसलिए किसी उपन्यास को बहुत पढ़ा जाना और किसी उपन्यास को कम पढ़ा जाना, ये कोई मानदंड नहीं होता है श्रेष्ठता का, वही मैं कहना चाह रहा था। और बात बाकी जो है तुमने कहा वो बिल्कुल सही सही इंफॉर्मेशन है, या सही सोच है तुम्हारी, कि उसी हिसाब से ही उसका ये किया गया है। ठीक, और कुछ? जी सर, नहीं सर, धन्यवाद सर। और जी सर, कुलपति सर शायद कहीं व्यस्तता के कारण अभी नहीं है,
कोई बात नहीं, उन्हें मेरा नमस्ते कह देना ना? जी जी सर, मैं पूरे विश्वविद्यालय के तौर पर सर आपका धन्यवाद करता हूँ सर कि आपने अपना समय दिया, और विद्यार्थियों के धन्यवाद कि उन्होंने सुना। और मैं विद्यार्थियों में एक हमारे जो भी कड़ी चल रही है ऑनलाइन कक्षा की, उसमें हमारे और एक हिंदी के ही विषय विशेषज्ञ के तौर पर मैंने नाम दिया है, मैम की भी क्लास है तुलिका विश्वास, मैम भी यहाँ पे उपस्थित हूँ। मैम को भी धन्यवाद दूंगा कि वो लगातार बनी हुई है शुरुआत से। तुलिका मैम आप सुन रही है मुझे? तुलिका ने खुद को म्यूट किया करके रखा है ना? जी जी नहीं नहीं म्यूट तो वो उधर से नहीं बोल पाएंगे ना। लेकिन मेरी आवाज जा रही है? नहीं नहीं आपकी आवाज जा रही है, और अगर वो चाहें तो वो उसको अनम्यूट जैसे ही कर देंगी तो हम लोग भी सुन पाएंगे तुलिका मैम को। जी 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 नहीं मैम ने मुझसे आग्रह किया कि वो क्लास करना चाहती है, आप आ रहे हैं आपकी क्लास है, तो मैंने फिर मैम को लिंक भी भेजा था, तो मैम शुरुआत से ही बनी हुई है। बहुत अच्छा, उनको धन्यवाद, आप सबों को धन्यवाद, और आपके विश्वविद्यालय को भी धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद आभासी दुनिया में हम लोग जुड़े, और उपन्यास के जो सिद्धांत होते हैं, दरअसल सिद्धांत तो उकताने वाला होता है, और मैंने कोशिश ये की कि उस उकताहट से आप लोगों को मुक्ति मिले, क्योंकि जहाँ कहीं भी थ्योरी आती है, सिद्धांत जहाँ कहीं भी आते हैं, थोड़ी सी उकताहट हो ही जाती है। बहरहाल आप लोगों ने सबने सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इसी तरह आपका आशीर्वाद सर बनाए रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, बस बस अनुरोध ये है कि किसी को भी क्लास दें तो थोड़ा जो विषय के साथ न्याय करें, है ना? जी 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 जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते सर। हाँ तुलिका जी बताइए। नमस्ते जी, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी अभी जानकारी मिली तो। दरअसल मैं पहली बार इस चीज को यूज कर रही हूँ तो ज्यादा मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। कोई बात तो नहीं, इसीलिए जी सर आपका क्लास काफी ज्ञानवर्धक रहा सर, मैं एकदम शुरू से पूरा सुन रही हूँ, और काफी बातें मतलब मुझे भी जानकारी नहीं थी, बहुत बहुत ही अच्छा लगा सर। मतलब बहुत सारी चीजें हैं प्रेमचंद की, बहुत सारी उक्तियां मैंने इनफैक्ट नोट भी की है सर। बहुत बहुत खुशी हो रही है कि स्टूडेंट तो नोट करते ही हैं, लेकिन आपनी कोरेचन इटा खूब ভাল লাগলো আমার। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके तो वही एक्चुअली बहुत दिनों पहले ये सब पढ़ते थे, अभी बीच में थोड़ी चर्चा भी छूट गई थी, मगर काफी ज्ञानवर्धक रहा सर, काफी लाभान्वित हुई हूँ सर इस क्लास से। चलिए फिर कभी मिलेंगे। ओके बिल्कुल धन्यवाद सर। ओके नमस्ते। नमस्ते सर। धन्यवाद सर। ओके ये बंद कौन करेगा? आप लोग सर आप नहीं सर आप अपने एंड से सर फोन काट सकते हैं। ओके जी जी ओके सब सबको नमस्ते और धन्यवाद जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम तुलिका मैम, थैंक यू, धन्यवाद सर। ओके सर धन्यवाद। विद्यार्थी आप लोग भी अपने ओर से अपने अपने फोन को काट सकते हैं। थैंक यू निशांत। थैंक यू सर। थैंक यू स्वागतिका मैडम जबी अच्छन आउ इनको ओएस को कोना हैंडल कर सके। अच्छा अच्छा स्वागतिका अच्छा काला सर। अच्छा इनको ओएस को यू अपन यूज कर मैडम। हां हां मैं बेटा मैं पूछूत ले अपन मैच दिस वर्क। थैंक यू अपन थैंक यू।
तीन टाइम